कि जब भी कोई ऐसा ओकेजन हो जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप उसमें बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं और बहुत फ्रेश और ग्लोई सी लुक चाहते हैं और बहुत ब्राइटन अप सा अपना लुक चाहते हैं, तो उसके लिए स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन क्योंकि आजकल हम इतना बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें बंद हैं, तो फिर हम ऐसा क्या करें कि जिस वक्त हम किसी गैदरिंग में जाएं तो उस वक्त हमारी स्किन जो है वो हमें बहुत अच्छी लग रही हो। देखें, कपड़े तो हम ख़रीद लेते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ज्वेलरी है, जैसे शूज़ हैं। आप मुझे बताएं, आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हो लेकिन आपकी स्किन डल लग रही हो तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, आप अच्छे भी नहीं लग सकते हैं और आपको ख़ुद को अच्छा महसूस नहीं होता। उसके साथ साथ आप बहुत अच्छे शूज़ ले लेते हैं और उन शूज़ को पहनते हैं और फिर आप देखते हैं कि आपके तो पाँव ही गंदे लग रहे हैं, तो उन गंदे पाँव की वजह से, अगर पाँव जो हैं वो साफ़ या अच्छे नहीं हैं या आपने उसको मेनटेन नहीं किया हुआ, उन गंदे पाँव की वजह से वो अच्छे शूज़ भी गंदे लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये तो मज़े की बात ना हुई। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप घर में अपनी स्किन को या अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें किसी भी बड़े ओकेजन के लिए जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज़ कि जिन लोगों की शादी होने वाली है या जो लोग किसी शादी में जाने वाले हैं या किसी का बहुत बड़ा ओकेजन है, कोई पार्टी आ रही है, कोई बर्थडे आ रही है, या आपने कोई ओकेजन अटेंड करना है और आप उसके लिए अपने आप को रेडी करना चाहते हैं, तो आपको घर में क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि चीज़ें लगाने से सिर्फ खाली आप रेडी नहीं हो सकते। उसके लिए दो दिन पहले आपने क्या खाना है, क्या पीना है और क्या करना है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, किसी भी आपने किसी पार्टी किसी गैदरिंग के लिए अपने आप को रेडी करना है तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप बहुत दो दिन पहले आप बहुत अच्छी नींद लें। मैं ज़्यादा सोने के लिए नहीं कह रही हूँ, बट मैं एक अच्छी डीप स्लीप और एक साउंड स्लीप लेने को कह रही हूँ। जिस वक्त आप अच्छी नींद लेंगे और फिर तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन आपको पहले से बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी लगेगी। फिर आ जाते हैं पानी पे। आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है और आप खुद से कॉन्शियसली ज़्यादा पानी पिएं। आप ज़्यादा पानी का मतलब ये है कि अब तो वैसे ही वेदर चेंज हो गया तो प्यास थोड़ी लगती भी ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत अच्छे अमाउंट में पानी पिएं। मैं ड्रिंक्स पीने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप फिज़ी ड्रिंक्स पिएं, जूसेस पिएं, नो नॉट एट ऑल। मैं सिंपल प्लेन वाटर कह रही हूँ, और अगर आप उसको और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना चाहते हैं तो उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो आप लेमन के ऐड कर लें। पूरा लेमन नहीं भी ऐड करें, गला भी ख़राब हो जाता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन आप उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन ऐड कर लें तो आप ढेर सारा पानी पिएं, जितना पानी पी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि आप सैलेड और वेजिटेबल्स खाएं, रॉ वेजिटेबल्स खाएं, सैलेड खाएं। इसके अलावा जो है वो जितने भी ऑरेंज और रेड कलर के फ्रूट्स हैं, जैसे आजकल स्ट्रॉबेरी का मौसम है और बहुत अच्छी फ्रेश स्ट्रॉबेरी मिल रही है और एक्सपेंसिव भी नहीं है और हम उसको बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय कर सकते हैं, तो आप स्ट्रॉबेरी जो है वो खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी खाने के अलावा जो है वो जो आपको सब्जियों में अवेलेबल है उसका सैलड बनाएं, उसका सलाद बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं, नट्स, जो ड्राई फ्रूट या ड्राई फ्रूट्स, जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो, या फिर जो नट्स होते हैं उनको लेना स्किन के लिए, बालों के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं ये कहती हूँ कि आप दो दिन पहले, जब आपको पता है तो आप अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं ना, अगर कोई प्लान्ड ओकेजन आ रहा है तो दो दिन पहले आप अपनी नींद को पूरा करें, ढेर सारा पानी पिएं, ज़्यादा सैलड्स फ्रूट्स और नट्स खाएं, और जितने कार्ब्स कम लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके फीचर एनहेंस होके आएंगे क्योंकि कोई स्वेलिंग या ऐसा कुछ नहीं होगा फेस के ऊपर। और जितना भी आप सॉल्ट कम कर सकते हैं उतना सॉल्ट कम कर लें, ठीक है। उससे भी जो वाटर होता है, वाटर जितना भी आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इकट्ठा हो सकता है वो कम हो जाता है, स्वेलिंग कम हो जाती है और आपके फीचर्स जो हैं वो एनहेंस होके सामने आते हैं। तो इसका ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आपने ज़रूर याद रखना है जब भी आप किसी ओकेजन के लिए, किसी प्लान्ड ओकेजन के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि हाथों पाँव को नहीं भूलना। हाथ और पाँव अगर आपके साफ सुथरे, वेल मेंटेन्ड और अच्छे होंगे तो आप देखेंगे आपके कपड़े, जूते, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा और क्या कॉन्फिडेंस का लेवल होगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपका फेस अच्छा लग रहा है, कपड़े भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हाथ पाँव अच्छे नहीं लग रहे हैं तो अच्छा इंप्रेशन या कुछ अच्छा नहीं महसूस होता और वाकई अच्छा नज़र नहीं आता। तो आपने इसके लिए क्या करना है, हाथों पाँव के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उनकी क्लिनजिंग करें।
क्लिंजिंग करने से क्या होता है, क्लिंजिंग को आप ओमिट भी कर सकते हैं। जो लोग अपने हाथ पांव का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं डेली बेसिस पे, वो ओमिट भी कर सकते हैं इस स्टेप को। लेकिन मैं फिर भी प्रेफर करूंगी कि अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं और आप जा के पेडिक्योर मैनीक्योर्स कराते थे, तो आप इसकी क्लिंजिंग कर लें। सबसे पहले आपने क्लिंजिंग करनी है, उसके बाद आपने एक्सफोलिएट करना है, एक्सफोलिएशन के बाद आपने मास्क लगाना है, मास्क लगाने के बाद आप मॉइस्चराइज कर लेंगे। ये आपने उस दिन नहीं करना जिस दिन आपने पार्टी अटेंड करनी है, ये आप दो दिन पहले एक दिन पहले कर चुके हुए हों, ठीक है। मैं जो सारा प्लान आपको बता रही हूँ ये दो दिन पहले ही करें। जैसे अगर आपको परसों जाना है तो आज आप ये सब कुछ करेंगे। इसमें आपने क्या करना है कि आप जो हैं पहले आपने क्लिंजिंग की, क्लिंजिंग करने के बाद आपने एक्सफोलिएट किया, एक्सफोलिएट करने के बाद जो है वो आप मास्क लगाएंगे, मास्क लगाने के बाद मॉइस्चराइज करें अच्छी तरह से। अगर आपको लगता है कि आपके पाँव की एड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फटी हुई और खुश्क हुई हुई हैं, तो आपने उस कैलस को भी रिमूव करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये सब कुछ, अगर आपके पास कुछ नहीं है घर में, आपके पास कुछ नहीं है और आपने क्या करना है, तो मैं आपको उसका तरीका कि घर में आप कैसे करेंगे वो बताने वाली हूँ। इसमें आप क्या करेंगे कि आपने सबसे पहले, अगर तो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा फटी हुई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो कैलस उसके ऊपर जमा हुआ है, ड्राई स्किन जमी हुई है, ऑब्वियसली फिर वो एक दफ़ा मॉइस्चराइज करने से या एक दफ़ा ये सब कुछ करने से ख़त्म नहीं होता, उसके लिए आपको बार बार करना पड़ता है। लेकिन हम एक 2 डेज़ बिफोर दी ओकेजन जो है उसकी बात कर रहे हैं कि उसमें आप क्या कर सकते हैं। आपने इतना गर्म पानी लेना है जिसमें आप अपने पाँव को डबोलें तो वो आपको बुरा ना लगे लेकिन गर्म महसूस हो, इतना गर्म हो कि आप बर्दाश्त कर सकते हैं। उसके अंदर आपने किसी अच्छी क्वालिटी का शैम्पू और किसी अच्छी क्वालिटी का कंडीशनर डाल देना है। इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए आप अपने पाँव और हाथ दोनों के साथ इस तरह से कर सकते हैं कि उनको इस पानी के अंदर रखें। जब आप इस पानी के अंदर उनको रख लेंगे 15-20 मिनट के लिए, तो उसके बाद इनको बाहर निकालें। और कोई भी, आपने देखा है कि शावर स्पॉन्जेस होते हैं जिनको हम बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं, नहाते हुए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्यूमिस स्टोन मिलते हैं या घरों के अंदर सबके पास होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम झावा बोलते हैं उर्दू में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने डिप कर लिया और 20 मिनट के बाद आपने, अगर आपके पास प्यूमिस स्टोन है या फिर आपके पास जो है वो शावर वाला स्पॉन्ज है जिसको हम नहाते वक्त बॉडी के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, वो आप यूज़ कर लेंगे। और इस तरह से करके आपकी सारी की सारी डेड स्किन जो है वो हट जाएगी। ये तो हो गया पहला स्टेप। अब हम दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आपने कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी के ड्राई कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी थोड़ी सी ले लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा जो है उसको मिला लेंगे। ये दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों को आप मिक्स कर लें। एक चम्मच अगर आपने कॉफ़ी ली है तो आधा चम्मच जो है वो आप बेकिंग सोडा ले लेंगे, ठीक है। ये लेके और इनके अंदर आपने बिल्कुल ज़रा सा पानी डालना है, यानी कि पानी के चंद कतरे, 2-3 कतरे डालने हैं जिससे बहुत थिक पेस्ट की फॉर्म में ये रहेगा, हाफ पाउडरी होगा। और आप जैसे सस्पेंशन होती है ना उसी तरह से कि पार्टिकल्स इनके ऐसे ही रह जाएंगे लेकिन थोड़े से आपस में मिल जाएंगे। ये लेके आपने अच्छी तरह से जो है वो एक्सफोलिएट करना है। पहले जो हमने डीप क्लेंजिंग करनी थी और गंदी स्किन हटानी थी वो हमने पानी में डिप करके कर ली। सेकेंड स्टेप के अंदर जो मैंने आपको बताया है कि आपने बेकिंग सोडा और उसके साथ जो है वो कॉफ़ी लेनी है और उसके अंदर चंद कतरे आपने पानी के डालने हैं, पेस्ट नहीं बनानी है, ये पाउडरी ही रहना चाहिए, सिर्फ इतना पानी डालें और उससे जो है वो अच्छी तरह से एक्सफोलिएट कर लें अपने पाँव को और हाथों को। स्पेशली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के नकल्स जो हैं वो डार्क होते हैं, तो वो नकल्स के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से एक्सफोलिएट करें, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इसको, फिर आपने एक्सफोलिएट कर लिया, आप जो है वो 1 मिनट ईच, एक पाँव पे 1 मिनट, दूसरे पाँव पे 1 मिनट और इसी तरह से दोनों हाथों पे 1-1 मिनट कर लें। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। अब आपने मास्क लगाना है, इसको धो दें, मास्क लगाना है। तो मास्क आप कैसे बनाएंगे, आपने टोमेटो का जूस लेना है, टोमेटो का पल्प लें, टमाटर का पल्प जो है छिलका नहीं, पल्प निकाल लें, उसके बाद उसके अंदर चंद कतरे जो हैं वो लेमन जूस के डालें और उसके साथ जो है वो मिल्क पाउडर, कोई भी आपके पास घर में जो मिल्क पाउडर है उसको डाल दें और इसकी एक पेस्ट बना लें। ये पेस्ट बना के आप तकरीबन आधे घंटे के लिए हाथों पाँव पे लगा के छोड़ दें। उसके बाद आप इसको वॉश कर लेंगे हल्के नीम गर्म पानी से। वॉश करने के बाद आपके पास कोई सा भी जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो आप अच्छी तरह से लगा के इसको एब्जॉर्ब करेंगे। देखें ऐसे करके आपने अच्छी तरह एब्जॉर्ब करना है और ये जो उंगलियाँ होती हैं उसके लिए ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, ये आपने
अच्छी तरह से ऐसे कर लेना है। ये वाली डायरेक्शन में आप फिंगर्स के ऊपर करेंगे और हैंड्स के ऊपर भी ऐसे ऐसे करके आप जो है वो अच्छे तरीके से इसको मसाज कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब हमने ये पूरा कर लिया कि ये हो गया हमारा कि हमने प्रिपेयर कैसे करना है अपने हाथों पाँव को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि हमने अपने फेस को कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, फेस के लिए जिन लोगों के पोर्स एनलार्ज्ड हैं, जिन लोगों के ज़्यादा पोर्स हैं, पोरस स्किन है या पोर्स खुले हुए हैं, उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने पानी में लेमन को मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा जो है वो पुदीना डाल के, आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने आधा ग्लास पानी लिया है तो उसके अंदर जो है वो आप 4 से 5 कतरे लेमन के डालेंगे, लेमन जूस के डालेंगे, और उसके अलावा 3-4 पत्ते जो हैं वो आप पुदीने के डालेंगे। और इसको ब्लेंड करना है तो ब्लेंड कर ले, नहीं तो हाथों से तोड़ के भी डाल सकते हैं आप पत्ते। इसको ब्लेंड करने के बाद इसके क्यूब्स बना लें, आइस क्यूब्स बना लें, जो आइस बनाने वाली ट्रे होती है, बर्फ़ बनाने वाली ट्रे होती है, उसके अंदर डाल के उसके आपने आइस क्यूब्स बना लिए। जिन लोगों के ओपन पोर्स हैं वो इन 2 दिनों में बार बार जो है वो इन क्यूब्स को रब करेंगे स्किन पे। आप याद रखें कि आपने रब तो करना है लेकिन 1 से 2 मिनट से ज़्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 मिनट इसका मैक्सिमम टाइम है, उससे ज़्यादा रब ना करें। ठीक है, और दिन में 1 ही दफ़ा करना है। जिन लोगों के फेस के ऊपर स्पॉट्स पड़े हुए हैं या पिगमेंटेशन है वो क्या करेंगे, वो एक आलू ले लेंगे, आलू को जो है वो आपने अच्छी तरह धो लेना है, साफ़ कर लेना है, और उसके बाद उसको छिलके समेत जो है आप कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने के बाद कपड़े से उसको छान के उसका पानी निकाल लेंगे। ठीक है, जब आप इसका पानी निकाल लेंगे तो उसके बाद आपने चावलों का पानी भी लेना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, थोड़े से चावल लेंगे, उनको भिगो लेंगे, भिगोने के बाद जो है वो उसी पानी के अंदर उन चावलों को, साफ पानी डाल के उन चावलों को उबालना शुरू कर दें। जब आप उसको उबालना शुरू करेंगे तो चावलों का जितना भी एसेंस है वो उस पानी में आना शुरू हो जाएगा और पानी का कलर चेंज हो जाएगा, बिकॉज चावलों का जो भी एसेंस है वो उस पानी में आ जाएगा। उस पानी को भी आप इसके अंदर ऐड करना है, और ये आलू का जो पानी है और जो चावलों का पानी है इसको आप आइस क्यूब की ट्रे में डाल के क्यूब्स बना लेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह से बर्फ की ट्रे में डाल के इसके क्यूब्स बना लें, और फिर इसको जो है वो आप अपने जो स्पॉट्स वाला एरिया है उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपने 1 से 2 मिनट तक यूज़ करना है, इन 2 दिनों में आप डेली यूज़ कर लें, और उसके साथ साथ 3 दिन यानी कि जिस दिन आपने जाना है किसी भी पार्टी पे उस दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको 1 से 2 मिनट से ज़्यादा आप यूज़ नहीं करें, और दिन में 1 ही दफ़ा आपने यूज़ करना है। जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है या जिन लोगों को पिंपल्स निकले हुए हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने खीरे का जूस लेना है। आपने खीरे को अच्छी तरह धो लिया, उसके बाद छिलके के साथ उसको कद्दूकश कर लिया, और उसके बाद मलमल के कपड़े से उसको छान के उसका जूस निकाल लिया। अब वो जो पानी है खीरे का वो उसके आपने आइस क्यूब्स बना लेने हैं, और वो अपने पूरे फेस के ऊपर आप लगा सकते हैं, 1 से 2 मिनट के लिए लगाएं, रोज़ लगा सकते हैं इन 3 दिन। और उसके अलावा जो है आपने दिन में 1 ही दफ़ा लगाना है। आपको मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं बताया कि आप ढेरों ढेर या दिन में 3-3 दफ़ा लगाएं कि हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ऐसे नहीं करना। ठीक हो गया, इसके साथ क्या आ जाता है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ, लेकिन ये सिर्फ ट्रिक है और ये इमरजेंसी में करने वाला ट्रिक है। किसी ने ये नहीं समझना कि ये कोई रूटीन की चीज़ है या मैं ये कोई आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं समझना। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर तो आपके फेस के ऊपर एक्टिव पिंपल्स बने हुए हैं 1-2, तो आप क्या करेंगे, अगर कहीं पे गलती से कोई एक पिंपल निकल आया है और अब हमने जाना है और अब हम कॉन्शियस हो रहे हैं कि पहले तो कभी नहीं निकला, आज कहाँ से निकल आया, अब क्या करें, तो आप क्या करेंगे, आपके पास रेड कलर की क्लोज़अप होती है, मैं टूथपेस्ट की बात कर रही हूँ, रेड कलर की जो क्लोज़अप टूथपेस्ट है वो जेल फॉर्म में होती है। आपने क्या करना है कि आपने माचिस की जो मैच स्टिक होती है ना, माचिस की जो स्टिक होती है वो लेनी है, उसको उसके अंदर डिप करना है, और जहाँ कहीं पिंपल हो सिर्फ उस पर टच कर देना है, नॉर्मल स्किन पे ना लगे, ये जुड़ जाएगी क्योंकि वो जेल है, वो जुड़ जाएगी, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी वो ड्राई हो जाएगा। ठीक है, इसको आप 1 से 2 घंटा लगा रहने देंगे तो वो ड्राई हो जाएगा। अब एक और प्रॉब्लम होती है, समटाइम्स ये होता है कि वो पिंपल वगैरह तो ठीक हो चुका हुआ होता है जो पहले का कहीं निकला होता है या जो भी है, लेकिन रेडनेस फेस के ऊपर रह जाती है। अब आपने एक और ट्रिक करना है, जिन लोगों की रेडनेस रह जाए या कोई रेड कलर का स्पॉट फेस के ऊपर आया हुआ है, छोटा है, मैं किसी पैच की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रोजेशिया की बात नहीं कर रही हूँ,
तो ट्रिक आपने क्या करना है, अगर आपने कहीं जाना है, आई ड्रॉप्स आते हैं बेटनी सोल के नाम से, बेटनी सोल के नाम से आई ड्रॉप्स आते हैं, वो आई में भी डाल सकते हैं, ईयर्स में भी डाल सकते हैं, नोज में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आपने बेटनी सोल एन के नाम से ड्रॉप्स आते हैं, आपने एक कॉटन बड लेना है, कॉटन बड के ऊपर उसका एक ड्रॉप गिराना है और जहाँ पे आपको रेडनेस फील हो रही है उसके ऊपर आपने टच कर देना है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पिंपल्स के लिए जेल बताई है वो भी आपने सिर्फ एक दफ़ा दिन में यूज़ करनी है, 2 से 3 घंटे सिर्फ एक दफ़ा, नहीं यूज़ करनी बार बार, ठीक है। प्लीज़ ये बार बार यूज़ करने के लिए नहीं है और ये सिर्फ खाली इमरजेंसी के लिए एक क्विक फिक्स है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसी तरह से जब आपका कोई रेड स्पॉट बना हुआ है या दाना ठीक हो गया था और रेडनेस रह गई है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने बेटनी सोल एंड ड्रॉप्स जो मैंने आपको आई ड्रॉप्स बताए हैं उसको थोड़ा सा ड्रिप किया कॉटन बट पे, उसको उसके ऊपर लगा लिया, सिर्फ एक दफ़ा दिन में लगाना है, 1 से 2 घंटे लगा रहेगा, फिर आप इसको हटा देंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने हाथों पाँव के लिए बताया था, ये तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थे, ये इसलिए मैंने आपको बताए हैं ताकि अगर आपकी स्किन जो है वो प्रॉब्लमैटिक है, ओपन पोर्स वाली है या पिगमेंटेशन या स्पॉट्स वाली है या एक्टिव एक्नी वाली है या कोई पता नहीं कहाँ से एक दाना निकल आया जो कि बहुत ही गंदा लगता है हमें कि ये इस वक्त कैसे निकल आया, पहले कभी नहीं निकला, और या फिर जो है वो थोड़ा सा भी कोई रेड स्पॉट है तो उस पे लगाने के लिए मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब हम आ जाते हैं कि फेस के लिए आपने क्या करना है, फेस के लिए आपने सबसे पहले क्लिंजिंग करनी है, क्लिंजिंग करने के बाद आपने एक्सफोलिएशन करनी है, एक्सफोलिएशन के बाद आप वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद आपने मास्क लगाना है, मास्क उतारने के बाद आप टोनर यूज़ करेंगे, टोनर यूज़ करने के बाद आपने मॉइस्चराइज़ करना है और साथ में मसाज करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्लिंजिंग करनी है, मैं क्लिंजिंग के प्रोडक्ट्स दिखाती भी रहती हूँ, मैं फिर दिखा दूँगी, अभी भी थोड़े से दिखा दूँगी, लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्लिंजिंग करने के लिए कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, ठीक है, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने कोकोनट ऑयल के डालने हैं और उससे आप क्लिंजिंग कर लेंगे। क्लिंजिंग आपने 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करनी, जिन लोगों की स्किन एजड है, जिन लोगों की स्किन ड्राई है, जिन लोगों की स्किन नॉर्मल है वो सब ये कर सकते हैं, बट जिन लोगों की स्किन ऑयली है या एक्नी प्रोन है या उसके ऊपर एक्नी है, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने बेकिंग सोडा के अंदर 1 ड्रॉप्स पानी के डालने हैं और वो जो है ना वो पानी के जो आप ड्रॉप्स डालेंगे ना तो उससे वो पाउडर ही रहता है, वो चेंज नहीं होगा, उसकी कंसिस्टेंसी चेंज होकर पानी या पेस्ट नहीं बन जाएगी, उससे आपने क्लिंजिंग करनी है। क्लिंजिंग 10 सेकंड्स के लिए करते हैं फेस के ऊपर, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लिंजिंग कर ली, क्लिंजिंग करने के बाद एक्सफोलिएट करना है। आप कहते हैं जी मेरे पास तो एक्सफोलिएट करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है घर पे, मैं क्या करूँ, तो आप क्या करेंगे कि आपने कॉफ़ी लेनी है, जैसे आपने कॉफ़ी का पाउडर लिया, कॉफ़ी के पाउडर के अंदर थोड़ा सा जो है वो आपने चावलों का आटा, ये प्लीज़ पैकेट वाले ना डालिएगा, आपके हर घर में चावल पड़े हुए होते हैं, उनको जल्दी से जो है वो वॉश करके ड्राई कर लें, क्योंकि इतने से तो चाहिए आपको, फौरन ड्राई हो जाएंगे, नहीं तो हेयर ड्रायर से आप उसको ड्राई कर सकते हैं। ड्राई करने के बाद जो है वो आप उसका पाउडर बनाएंगे और मोटा मोटा पीसना है आपने उसको, ठीक है, ज़्यादा पतला नहीं करना। इन दोनों को मिक्स कर लें, यानी कि कॉफ़ी और जो राइस फ्लावर है या जो चावलों का आटा है उसको मिक्स कर लें और उससे आपने एक्सफोलिएट करनी है। एक्सफोलिएट कैसे करते हैं, आपने इसमें पानी नहीं मिलाना, मिक्सचर में पानी नहीं मिलाना, आप अपने 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 फेस को जो है वो हल्का सा नम कर लेंगे, ठीक है, हल्का सा गीला करेंगे, पूरा गीला नहीं करना, हल्का सा थपथपा के गीला करेंगे और फिर उसके ऊपर आपने एक्सफोलिएट करना है। एक्सफोलिएशन भी आपने 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करनी होती है फेस पे, 10 सेकंड्स आर मोर देन इनफ। जिस वक्त आप फेस पे कुछ भी कर रहे हैं तो आपने नेक को नहीं भूलना, नेक के ऊपर भी आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी बारी के आप वॉश कर लें, जो भी आपका फेस वॉश है उससे आप वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद आपने मास्क लगाना है। अब आप कहते हैं जी हमारे पास घर में मास्क भी नहीं है, अब हम क्या करें। जिन लोगों की स्किन जो है वो एजड है या ड्राई है या फिर नॉर्मल टू ड्राई है, वो क्या करेंगे, वो एक बनाना लेंगे, केला लेंगे, उसको मैश करेंगे, उसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे और ये आपका फेस पैक बन गया, सारा लगा दें और 20 मिनट के बाद उसको हटा दें, धो दें पानी से। जिन लोगों की स्किन जो है वो ऑयली है या एक्नी प्रोन है, वो क्या करेंगे, वो जो है वो आपने टमाटर का पल्प लेना है, टमाटर का जो पल्प है उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स कर लें, सीधा नहीं लगाना, ठीक है, आधा टमाटर का पल्प है आधा पानी आप ले लेंगे, ठीक है, और थोड़ा पेस्टी सा बन जाएगा और उसको जो है वो लगा के आप लेट जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्रिप करने वाला होता है और उसके बाद जो है वो आप इसको 20 मिनट्स के बाद उतार दें।